अति महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। जय भीम दोस्तों, बहुजन समाज के लिए जो सबसे बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है कि हो चुका है भारत की दो सबसे बड़ी बहुजन पार्टियों का गठबंधन, यानी कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन। आज दोपहर 12 बजे यानी कि दिनांक 12 जनवरी 2019 को लखनऊ के ताज होटल में दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने यानी कि बसपा सुप्रीमो सुश्री मायावती जी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने आज गठबंधन की औपचारिक घोषणा कर दी है ताज होटल लखनऊ में। तो दोस्तों, वो नजारा क्या देखने वाला नजारा था, क्या एसपी और बीएसपी का गठबंधन जब हुआ, जब दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय नेता, दोनों बहुजन समाज के नेता साथ में बैठे, तो वो देखने वाला नजारा था दोस्तों। वो जो नजारा था वो लोग आप फोटो के माध्यम से तो देख ही रहे होंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से भी दिखा देता हूँ थोड़ा सा नजारा, आपको भी मजा आ जाएगा। तो दोस्तों देख ही लिए होंगे आप नजारा। तो दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन ऐसा गठबंधन है कि यूपी के अंदर तो बीजेपी का सफाया होने वाला है। दोस्तों, मायावती जी और अखिलेश यादव जी के इस गठबंधन के ऊपर किसी की नजर होगी या नहीं होगी, लेकिन जो दो व्यक्ति है ना इस देश के, उनकी जरूर नजर होगी, यानी कि एक गुरु और एक चेला। समझ गए हो, नीचे कमेंट आ जाना चाहिए जल्दी। मायावती ने आगे कहा कि 1993 में जब माननीय काशीराम जी ने और श्री मुलायम सिंह यादव जी ने गठबंधन किया था, तो उन दोनों के गठबंधन ने भी बीजेपी को पटकनी दे दी थी और गठबंधन की सरकार बनाई थी, लेकिन कुछ कारणवश वह सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई थी। समाजवादी पार्टी से पहले सन 1993 में माननीय श्री कांशीराम जी व श्री मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के हुए आम चुनाव में चुनावी गठबंधन करके ये चुनाव लड़ा गया हुए, तब यहाँ सरकार भी बनाई गई थी। हालांकि ये गठबंधन कुछ गंभीर कारणों की वजह से ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल सका। सुश्री मायावती जी ने गेस्ट हाउस कांड का जिक्र करते हुए कहा कि हमने यह गठबंधन गेस्ट हाउस कांड से ऊपर देश हित और जन हित में ध्यान रखकर किया है। दोस्तों, मैं आप लोगों को कुछ क्लिप दिखा देता हूँ जो कुछ मायावती जी ने कहा है। लखनऊ गेस्ट हाउस कांड से भी ऊपर रखते हुए, यानी कि देश व जनहित को इस कांड से भी ऊपर रखते हुए, एक बार फिर हमने यहाँ देश में लगभग उसी प्रकार की दूषित राजनीतिक व सांप्रदायिकता के माहौल के मद्देनजर रखते हुए आपस में चुनावी समझौता करने का फैसला लिया है। दोस्तों, अब मुद्दे की बात, किसको मिली है कितनी सीटें। तो दोस्तों, यहाँ पर किसी को कम ज्यादा सीटें नहीं मिली है, दोनों ही पार्टी ने बराबर सीटों पर गठबंधन किया है, यानी कि दोनों के खाते में 38-38 सीटें आई है, यानी कि 38-38 सीटों पर दोनों पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। दोस्तों, दोनों पार्टियों की सीट मिलाकर टोटल हो जाती है 76 सीटें, यानी कि 76 सीट। अब बचती है दोस्तों सिर्फ 4 सीटें। अब इन 4 सीटों का गणित कुछ इस प्रकार है, इसमें से 2 सीटें गठबंधन सहयोगी के लिए रखी गई है, यानी कि आरएलडी के लिए रखी गई है, राष्ट्रीय लोक दल के लिए जो अजीत सिंह चौधरी जी की पार्टी है, और दोस्तों 2 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ी गई है, यानी छोड़ दी गई है बस, अमेठी और राय बरेली। अब देखने वाली बात यह होगी दोस्तों कि आरएलडी 2 सीटें पाकर खुश हो जाती है या नहीं होती है, या फिर कांग्रेस भी 2 सीटें पाकर खुश होती है या नहीं होती है, या फिर कांग्रेस पूरी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आखिर अगर वो पूरी सीटों पर चुनाव लड़ती है तो उसे लॉस ही होगा, उसका कोई फायदा तो होने नहीं वाला कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस के लिए यूपी में कुछ भी नहीं है। दोस्तों, बसपा सुप्रीमो सुश्री मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और बात कही थी, अगर ईवीएम ठीक रही तो बीजेपी को रोक देंगे, यानी कि दोस्तों जो गठबंधन है वो अभी भी ईवीएम पर शक कर रहा है, यानी कि दोस्तों मायावती जी का ईवीएम पर अभी भी शक है, और अखिलेश यादव जी पहले भी कह चुके हैं कि उनको ईवीएम पर भरोसा नहीं है, और दोस्तों मुझे भी ईवीएम पर भरोसा नहीं है। अगर आपको भी ईवीएम पर भरोसा नहीं है तो प्लीज नीचे जाकर कमेंट करिए, क्योंकि दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कभी भी और किसी भी समय गड़बड़ी की जा सकती है, क्योंकि मशीनों का कोई भरोसा नहीं होता है।
मायावती जी ने आगे कहा कि इस समय देश में 1975 जैसे हालात है, उस समय देश में इमरजेंसी लगाई गई थी, उस समय देश में घोषित इमरजेंसी थी, लेकिन इस समय देश में बीजेपी शासन द्वारा अघोषित इमरजेंसी लगाई गई है। दोस्तों ये बात मायावती जी ने बहुत सही कही कि उस समय 1975 में घोषित इमरजेंसी थी जब इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी, लेकिन दोस्तों इस समय मोदी जी के शासन में अघोषित इमरजेंसी लगाई गई है। दोस्तों मायावती जी ने आगे कहा कि कांग्रेस को लेकर कहा कि जब हम कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हैं तो जो कांग्रेस का जो वोट होता है ना वो हमें ट्रांसफर नहीं होता, यानी दोस्तों एग्जांपल देके बताओ तो अगर बीएसपी और कांग्रेस का गठबंधन होता है तो मायावती जी का कहना था हमारा वोट तो ईमानदारी से कांग्रेस को चला जाता है, लेकिन जो कांग्रेस का वोट होता है ना वो हमें नहीं मिलता, इस कारण हमारे वोट परसेंटेज में गिरावट आ जाती है। और मायावती जी ने एग्जांपल दिया कि जब अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था पिछले विधानसभा चुनाव में तो उन्होंने ये बात महसूस करी होगी। दोस्तों ऐसी कई सारी बातें मायावती जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है, मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा क्योंकि यार दोस्तों मैं पूरा वीडियो नहीं चला सकता, कॉपीराइट क्लेम आ सकता है मेरे चैनल के ऊपर। दोस्तों इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव जी ने जो सबसे बड़ी बात कही जो मुझे अच्छी लगी वो ये कहा कि मायावती जी का सम्मान मेरा सम्मान, मायावती जी का अपमान मेरा अपमान, यानी कि उनके कहने का तात्पर्य था कि अगर कोई मायावती जी का सम्मान करता है समाजवादियों की ओर से तो मेरा सम्मान है, और प्रदेश वासियों की ओर से या फिर समाजवादियों की ओर से कोई मायावती जी का अपमान करता है तो वो मेरा अपमान है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात थी जो अखिलेश यादव जी ने कही। दोस्तों आज की आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन बढ़ा देता है। अगर आप बहुजन समाज से हैं, बहुजन समाज की न्यूज जानना चाहते हैं, बहुजन समाज की अपडेट जानना चाहते हैं और क्या क्या बहुजन समाज में हो रहा है सब कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में एक छोटी सी घंटी का ऑप्शन होगा उसे भी दबा दीजिए, हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।